दोस्तों, अगर आपको भी नीतीश कुमार रेड्डी की शानदार हाफ सेंचुरी पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जहां इस वीडियो का लाइक टारगेट है 400 लाइक्स। गाइस, आज इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच सेकंड T20 मैच दिल्ली में खेला गया, जहां नीतीश कुमार रेड्डी की शानदार बैटिंग देखने को मिली। अगर नीतीश कुमार रेड्डी के पूरे बैटिंग हाइलाइट्स की बात करें तो नीतीश कुमार ने सबसे पहले 27 गेंदों पर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली, जहां पहली 13 गेंदों पर नीतीश कुमार ने सिर्फ 13 रन बनाए थे, पर बाद में अगली 14 गेंदों पर नीतीश कुमार ने 37 रन ठोक दिए। पर 14वें ओवर की तीसरी बॉल पर मुस्तफिजुर रहमान ने नीतीश कुमार को आउट कर दिया, जहां आउट होने से पहले नीतीश कुमार रेड्डी ने शानदार 74 रन बनाए सिर्फ 34 गेंदों पर, जिसमें नीतीश ने 7 सिक्स और 4 फोर लगाए, जहां नीतीश कुमार रेड्डी का स्ट्राइक रेट रहा 218 का। गाइस, आपको बता दें, इंडिया ने अपने पहले 3 विकेट सिर्फ 41 रनों पर खो दिए थे, जिसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी और रिंकू सिंह ने शानदार 108 रनों की पार्टनरशिप की, वो भी सिर्फ 50 गेंदों पर, जिसमें से नीतीश कुमार रेड्डी ने शानदार 74 रन बनाए सिर्फ 34 गेंदों पर। तो दोस्तों, नीतीश कुमार रेड्डी की इस डेब्यू 50 को आप 10 में से कितने नंबर दोगे कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।